बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिक एक्सेल में वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के बाद कुछ कॉलम बनाए, यहाँ पर हेडिंग दी है मैंने वर्किंग आवर्स कैलकुलेट। फर्स्ट कॉलम नेम का बनाया हुआ है, सारे एम्प्लॉयज़ के जो नाम है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सेकंड कॉलम टाइम इन, जो टाइम आ रहे हैं वो टाइम यहाँ पर इन हुआ हुआ है जिस टाइम। उसके बाद लंच आउट, लंच के लिए गए वो टाइम मैंने इन किया हुआ है, लंच इन वापस आए लंच के बाद। और आखिरी कॉलम टाइम आउट, ऑफ करके चले गए। उसके बाद एक टोटल आवर्स, इसमें कैलकुलेट करना है पूरे दिन में उन्होंने टोटल कितने घंटे यहाँ पर ड्यूटी दिए। एक बात पहले मैं बताऊँ, जब टाइम इन करेंगे आप तो 9 बजे एम्प्लॉई अगर इन हो रहा है तो 9 टाइप करेंगे। इसके अलावा लंच के लिए जैसे वो 1 बजे अगर जा रहा है तो आप, क्योंकि एक्सेल में 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट चल रहा होता है तो इसलिए लंच आउट में आप 13 आ जाएगा, 2 बजे जा रहा है 14 आ जाएगा, वापस जितने बजे आया लंच से वो 2 बजे आ रहा है तो 14, जिस टाइम पे भी आ रहा है वो टाइम आप 24 घंटे के हिसाब से टाइप करेंगे इसमें। इसके अलावा 5 बजे ऑफ करके चला गया तो टाइम आउट में आप 17 टाइप करेंगे, 6 बजे जा रहा है 18 टाइप करेंगे। इस तरह फार्मूला लगाएंगे टोटल आवर्स के अंदर, इक्वल सिलेक्ट इक्वल ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट टाइम आउट माइनस का साइन माइनस सिलेक्ट टाइम इन ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट ओपन लंच इन सिलेक्ट माइनस लंच आउट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंटर करने के बाद इस सेल पर आएंगे, दोबारा माउस लेकर आएंगे इस पे और नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।